तंग है जो मेरा ना दोस्त रहता है कनाडा में। कहाँ रहता है? कनाडा में मेरा दोस्त रहता है। अच्छा, तो वो ना पतंगबाजी कर रहे थे। ठीक है। तो वो उसकी पतंग कट के ना उन्होंने मुझे फोन किया कि पतंग आ रही है, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सीधा मलेशिया आ गिरी है। तो पकड़ ली। ये क्या किया? ये तो गाइस कुछ फनी हो गया है। वाह, आराम से आराम से। ये जी फाइनली इसने बहुत ही कोशिशें करने के बाद ये जो है पतंग उतार ली है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम, आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है और बहुत तेज़ हवा चल, फजर की नमाज़ के बाद मुझे पता चल रहा था कि तूफ़ान आएगा, क्योंकि वेदर ही ऐसा बना हुआ था, जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि वेदर जो है थोड़ा थोड़ा बादल बने हुए हैं। तो मुझे वहीं से डाउट हो गया था कि आज लगता तूफ़ान आएगा, यानी कि तेज़ हवाएँ चलेंगी। तो वही हो गया कि बहुत तेज़ हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं। तो हम लोग सो रहे होते हैं और ये जो परिंदे हैं ये अपने काम काज के लिए निकलना शुरू होते हैं। और जैसे हम लोग सुबह सुबह उठ के, हमारी सुबह होती है 8-9 बजे, तो इनकी सुबह होती है फजर की अजानों के बिल्कुल बाद। तो जैसे ही हल्की हल्की रोशनी होती है ये उड़ना शुरू होते हैं, अपने एक एरिया से निकलते हैं, दूसरे एरिया में जाते हैं वहाँ पे खाने पीने की तलाश में। और ये भी हमारी तरह जैसे हम लोग स्ट्रगल करते हैं ऐसे ये स्ट्रगल करते हैं। और बहुत अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह कहाँ कहाँ करते हुए परिंदे, ये कौवे और दूसरे परिंदे चिड़चिड़ाहट करते हुए जा रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू, कितना खूबसूरत वेदर है आज का और ये परिंदे कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इनकी चिड़चिड़ाहट कितनी खूबसूरत लगती है। तो आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, और जो न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो चलें बिना टाइम जाए कि आज की वीडियो शुरू। ये देखें कौवे, ये सुबह सुबह इधर वाली साइड से आते हैं, इधर से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते इस साइड पे चल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे इस साइड पे जा रहे हैं। और शाम को जब मगरिब की जाने होती हैं तब इधर वाली साइड से आ रहे होते हैं, उड़ते उड़ते इधर से इस तरफ चल जाते हैं। ये देख सारे कितने खुश हैं और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया है और झूमते हुए ये देख बिल्कुल इंजॉय करते हुए ये कौवे उड़ते उड़ते जा रहे हैं अपने जो भी खुराक के लिए या पता नहीं किस काम के लिए जाते हैं। तो ये सारे जाना शुरू हो, ऐसी तेज़ तेज़ हवा चल रही हो और ट्रीज़ वगैरह हों उनके नीचे से कभी भी नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि कभी भी ट्री जो है वो टूट के नीचे गिर सकता है और आपके ऊपर भी गिर सकता है, क्योंकि लगता है तो बहुत बुरे तरीके से लगता है कि इंसान को वो नुकसान भी पहुँचा सकता है, क्योंकि इसकी जो वुड की लकड़ियाँ होती हैं बहुत शार्प होके निकलती हैं और बहुत तेज़ लगती हैं कि इंसान को डैमेज कर देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और कभी भी ऐसी तूफ़ानी हवा चल रही हो तो कभी भी ट्रीज़ वगैरह के नीचे से कभी भी ना गुजरिएगा। ये स्पैरोस की आवाज़ सुने, कितनी खूबसूरत आवाज़ लगती है। कितनी ज़्यादा स्पैरोज़ यहाँ आवाज़ देती है और बहुत खूबसूरत आवाज़ लगती है, ये ज़्यादातर ये विलेज एरिया में सुनी जाती है। ओ चलेगी। उमर भाई क्या कर रहे हो? ओ हेलो गाइस, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? ये पतंग है जो मेरा ना दोस्त रहता है कनाडा में। कहाँ रहता है? कनाडा में मेरा दोस्त रहता है। अच्छा,
वो ना पतंगबाजी कर रहे थे, तो ठीक है। वो उसकी पतंग कट के ना उन्होंने मुझे फोन किया कि पतंग आ रही है, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है ये सीधा मलेशिया आ गिरी है। ठीक है। जंगलों में मैं आया था, हाँ ठीक है, मैं स्पेशली कनाडा से ये पतंग लेने आया हूँ। इसके ऊपर ना पतंग के जो ठीक है। ये क्या तीर होते पकड़ा हैं, हुआ आपने? हाँ ये तीर होते हैं ना जो पतंग के, ये हाँ सोने के हैं। ठीक। नहीं, ये क्या है? ये तो कांटी, वो पंजाबी में जिसे कहते हैं गांटी। ठीक कांटी, है ये मैं डालूंगा डोर के ऊपर, ठीक ठीक है है। वो पतंग मेरे लिए बहुत लाखों करोड़ों की पतंग है, ठीक है। ठीक है। ये जो मुल्क के जो बादशाह होते हैं ना, हाँ ये उनकी नस्लें पतंग बाजी करती हैं। ये अच्छा मेरा कजन लेके आया था कहीं ना, बादशाह के दौर में ये रखी हुई थी हमने, ठीक है। ठीक है, वहां पे पहले होती चले थी। अब सुल्तान, ये डोर है, इसके ऊपर डालेंगे। रुको ये जरा, डोर डोर दिखाने है, दो। ये देखें जी, आपको नजर आ रही होगी डोर। ये डोर है और पतंग इस साइड पे है। ये ऊपर आपको नजर आ रही होगी पतंग। ये पतंग है और ये डोर के ऊपर ये गांठ डालेंगे। चलें डालें, ध्यान से। डलगी डलगी, करीब लेके आएंगे। ये ऐसे टूट सकती है। ये सो देखिए, पकड़ ली। हैप्पी, ये क्या किया? ये क्या किया? ये तो गाइस कुछ फनी हो गया है। काफी सो हैप्पी हो गया अभी तो मलेशिया की टिकट भी नहीं मिली मुझे जाने के लिए। यार। ये क्या किया है? ये गाइस मुझे समझ नहीं आया, वहां हमारे साथ क्या है। आपने जो डोर के साथ खींची है ना, कड़की लग गई उसे। चलो गाइस, अब मलेशिया वाले को क्या कहेंगे आप? नहीं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। डोर इसे टूट गई है और ये देखें, ये दूसरी डोर जो ऊपर वाली है वो ऊपर रह गई है, और जो उधर वाली डोर है वो कट के ऊपर चलेगी। वो काइट नजर आ रही है ऊपर। गाइस अभी हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाओगे? ऊपर जाएंगे हम इसके। ठीक है। ये मलेशिया से है, ये अरबों खरबों की पतंग है यार। अच्छा जी, ये राजा एक मिनट एक मिनट सुल्तान, एक मिनट, उधर मुंह करना, मच्छर मच्छर। आ एक मिनट एक मिनट, ये देखिए ये मच्छर, वाह, ये खून देखे। ये राजा महाराजा जो सुल्तान बिन थे ना, ये उनके दौर में पतंगबाजी होती थी, तो ये हमारे ठीक दादे है। ने हमारे लिए। नहीं, अगर मलेशिया से आई है, इतनी हैवी इसकी डोर थी, डोर कैसे टूट गई आप? डोर टूटी नहीं, तोड़ी गई है, मैंने ज्यादा खींच दी थी ना इसीलिए। ये जी, चार पांच कोशिशों के बाद दोबारा फिर से इन्होंने गांठी डाल ली ऊपर। ये देखिए, उसी की डोर के साथ इसने गांठी दोबारा से डाल ली है और पतंग उतरने का नाम नहीं ले रही। उतर जाएगी आज? हाँ, हेलो गाइस, हाँ जी, उतर आ गए जाएगी। आप भाई। ये जो पतंग है ना, हाँ, ये पुराने जमाने की है, नखरेली पतंग। नखरेली, ये राजा आई कहाँ से? कनाडा से? ये कनाडा से सीधी वो मेरे भाई ने डाई है। अच्छा, उसने फोन किया आपको, पकड़ो। फोन किया है कि यार आ गई, तो मैं मलेशिया में था तो मैंने उतार ली। नहीं उतर रही, खींचो खींचो, उतरने वाली उतरने वाली, जल्दी खींची जाओ। उतर गई उतर गई उतर गई, वाह, आराम से आराम से। अरे ऊपर अटदा नहीं है, नीचे खींच। अरे टूट जाएगी। उतार लिए भाई, हाथ में लाओ, पकड़ो पकड़ो। आगे पत्थर भी बांधता है, उधर उतार लिए। वाह, ये इधर आए, आप नीचे आए, जूम करें, मैं आपको वाह, सोने का वर्क मैंने बताया था आपको। हाँ जी, ये देखें, ये गाइस सोना लगा हुआ है सारा, देख ले, ये सोना लगा ये हुआ, सोना है। अच्छा, ठीक है, ये सारा सोना देख रहे। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि इसके तीरों पे सोना लगा हुआ है, और टेपे भी सोने की लगी हैं। ये नहीं, ये पीतल की हैं। ठीक है, पुराने जमाने इतनी टेपे, फिर भी ये पतंग उड़ जाती है? नहीं, ये राजा थे ना, राजा थे, तो बड़ी दूर से आई ना, पट्टिया पुटिया रास्ते में लगवाती है ये मलेशिया से और कनाडा से। तो वो कहते ना, जब तक किसी चीज की कदर ना हो, कदर ना ना हो। हाँ, पहले उसको राजकुमार डालते रहे, ये नहीं उड़ी थी, फिर इसको उसने गिराया। ठीक है, ठीक है, जब इसको चोट लगी, ठीक है, इसे भी समझ आई कि मैंने उड़ना है, मेरा मकसद उड़ना है। हाँ जी, ठीक है, तो राजकुमार ने फिर इसे उड़ाया था, ये ईरान से उड़ी थी, ठीक है, ठीक है, तो ये सीधी मलेशिया गई। हाँ, वहाँ मेरे भाई काम के लिए जा रहे थे, तो वो रास्ते में गिर गई, तो उसने पकड़ ली। भैया को कभी कनाडा है, कभी मलेशिया है, कनाडा से मलेशिया से, अभी ये कनाडा से आई है, ये अभी कनाडा से आई है। ठीक है, ठीक है, तो मलेशिया में मैं था, ये मलेशिया है, आप मलेशिया में है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम इस पतंग को उतार लिया है, अभी मैं ये सीधा इसको फ्लाइट पे भेजने लगा हूँ, ठीक है, सीधी कनाडा पहुँच जाएगी। ये जी, फाइनली इसने बहुत ही कोशिशें करने के बाद ये जो है पतंग उतार ली है, तो काफ़ी अच्छी पतंग है।
और बड़ी मुश्किल इन्होंने उतारी है। वाली पतंग तो आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से ऊपर से उतारी इन्होंने। कहाँ से आई थी? कनाडा से। कनाडा से ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये कनाडा से आई। आज की जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह हाफिज़।